दोस्तों आज हम जानेंगे डॉग के बिहेवियर के बारे में कि आप उसे देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि डॉग का जो मूड है वो कैसा है, कि वो अग्रेशन में है या खेलने के मूड में है, या वो डरा हुआ है, या वो किसी को काट सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं उसकी टेल से, यानी उसकी पूंछ से, क्योंकि डॉग अपने अलग अलग बिहेवियर में अलग अलग तरीके से पूंछ घुमाता है। अगर आप जान सकते हैं कि वो पूंछ किस दिशा में जा रही है और कैसे हिल रही है, किस स्पीड से हिल रही है या किधर साइड के लिए है, तो आप जान सकते हैं उसके मूड को कि कब आपको उसको छेड़ना है, कब नहीं छेड़ना है, कब उसके साथ में खेलना है या कब नहीं खेलना है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अग्रेशन की, कि अगर आपका डॉग गुस्से में है और वो किसी को काट सकता है तो वो अपनी पूंछ को ऊपर की साइड पूरा घुमा लेता है, ऊपर कर लेता है और तेज़ तेज़ उसे हिलाने लगेगा। अगर आपका डॉग या आपके सामने जो डॉग है अगर वो अपनी पूंछ को ऊपर करके बहुत तेज़ी से हिला रहा है तो आप समझ जाइए कि वो अग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अटैकर के मूड में है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल उससे दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अब अगर आपके सामने जो डॉग है उसने अपनी पूंछ को बिल्कुल फोल्ड करके नीचे के लिए मोड़ लिया है, अपने पैरों के बीच में कर लिया है नीचे साइड के लिए, तो इसका मतलब होता है कि आपका डॉग डरा हुआ है, वो बहुत ही सहमा हुआ है और उसे आपके प्यार की ज़रूरत है। आप उसे शांत कर सकते हैं। वो हो सकता है किसी वजह से डरा हो कि वो किसी और जानवर को देख ले या उसे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी चीज़ से डर गया हो। तो इस स्थिति में डॉग अपनी पूंछ को बिल्कुल नीचे की तरफ, पैरों की तरफ दबा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। अब अगर आपके डॉग ने पूंछ को बिल्कुल सीधा कर रखा है, स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डॉग अभी कंफ्यूज है, वो किसी चीज़ को लेकर सोच रहा है या किसी भी चीज़ को बहुत गौर से देख रहा है। स्थिति में आपको उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे अचानक से डराने की कोशिश करेंगे या उसे अगर कोई कमांड देंगे तो हो सकता है वो अग्रेशन मूड में आ जाए। तो आपको वो इस स्थिति में शांत रहना है और उसे भी शांत रहने देना है। अगर आपका डॉग अपनी पूंछ को नीचे करके हिला रहा है, यानी कि हल्के हल्के हिला रहा है, तो इसका मतलब वो खेलने के मूड में है। आप वो चाह रहा है कि आप उसके साथ में खेलें, तो अगर आप खेलना चाहें तो आप उसके साथ में खेल सकते हैं। अगर आपका डॉग पूंछ को नीचे कर और राइट साइड के लिए घुमा रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत एक्साइटेड है और वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित है या वो खेलने के लिए लेकर उत्साहित है। और अगर आपका डॉग पूंछ को नीचे कर लेफ़्ट की तरफ घुमा रहा है तो इसका मतलब उसे किसी चीज़ का अंदेशा हुआ है या वो कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर या किसी जानवर को लेकर, थोड़ा सा डरा हुआ है। तो इस स्थिति में भी आपको उसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है, वरना वो अग्रेशन मोड में आ सकता है। और जब कभी आपका डॉग आपको देखकर अपनी पूंछ को नीचे करके और बहुत धीरे धीरे हिलाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉग को कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो इस स्थिति में आपका डॉग आपको देखकर अपनी पूंछ को नीचे करके बहुत धीरे धीरे हिलाता है, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल अपने डॉग को तुरंत वेट के पास लेकर जाएं या एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाएं और देखें उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।